ऐसा कौन सा दुख तुमको देखे? ये सब गब्बर सिंह है भाई, हर दुख गब्बर सिंह। बच्चों को घबराते ना, जो डराते थे कि नहीं, देखो गब्बर सिंह आ जाएगा, देखो देखो वहाँ आ जाएगा, खाना खा लो जल्दी। इस तरह से तुम्हारी चेतना को सत्य की अनुभूति करने के लिए कष्ट आते हैं जीवन, और कोई भी कष्ट हमेशा बनी नहीं रह सकते, चला जाता है, और वो जल्दी चले जाए इसके लिए तो योग साधना ये सब इसीलिए तो है। योग का उद्देश्य ही है। किसी ने पूछा पतंजलि जी से, योग किस लिए करना है? वो बोले, हेयम दुख मनागतम, जो दुख की जो मूल है, जो आने वाला है, अभी आया नहीं, उस दुख को रोकने के लिए योग करो। शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है। आज दुनिया में एक तिहाई लोग मानसिक पीड़ा से परेशान है, तो इससे बाहर निकलने के लिए इतना ये सब ध्यान करे, प्राणायाम की क्रिया करो। अब लोग समझने लग गए, अब देखो सब गवर्नमेंट दफ्तर में बोलते हैं कि योगा टाइम थोड़ी देर के लिए दे देते हैं, छुट्टी भी कहीं योग वहाँ बैठ के तुम डेस्कटॉप योगा कर सकते हो। ये पहले कभी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे ऐसा हो भी सकता है ना। आज देखो सब लोग करते हैं। सो ऐसे ही शारीरिक पीड़ा भी, शारीरिक पीड़ा क्यों होती है? हमने सीख ठीक से भोजन नहीं किया, टाइम से भोजन नहीं किया, जब चाहे जो चाहे खाते रहे करते रहे, कभी स्वास्थ्य का ध्यान स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, तो शारीरिक पीड़ा आती है। योग माने वो सही सही ढंग का भोजन करो, आने वाले जो दुख है शरीर को वो रुक जाता है। ऐसे प्राणायाम, ऐसे ध्यान। और कुछ तो आते भी हैं दुख, वो तुम्हें मजबूत करके जाते हैं, कहीं ना कहीं तुम उससे एकदम मजबूत हो जाते हो। इतना जान लो, कोई भी दुख तुम्हें मिटा नहीं सकता,